Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आलम बरज़ख सीरीज़ में आज बात करते हैं बिशर हाफ़ी की। बिशर हाफ़ी का ज़िक्र करने से पहले मैं आपको उनका ज़रा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये बात समझ में आए, जैसे कि मशहूर शेर है फ़ारसी ज़बान का कि औलिया अल्लाह हो औलिया अल्लाह, यानी दीद पीर दीद किबरिया। इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरह होगा कि जो अल्लाह के वली हैं अल्लाह उनका वली है, और पीर कामिल को देखने से अल्लाह की याद आ जाती है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की याद को दिल में एक ऐसे, आप समझ लें कि एक मिट्टी में एक पौधा निकल आता है ना, जिस पे पानी पड़ता है, बीज होता है फिर पानी पड़ जाता है, ऐसी कैफियत हो जाती है औलिया अल्लाह की मजलिस में कि मुर्दा ज़मीन होती है ना दिल की, उसके अंदर ऐसे ऐसे पौधे फूल दरख्त उगाते हैं कि बंदा फिर अल्लाह की याद में गर्क रहना पसंद करता है। आपने भी कभी किसी अल्लाह वाले की मजलिस अटेंड की हो तो आप भी इस कैफियत से ज़रूर गुज़रे होंगे कि अल्लाह वालों की सोबत में अल्लाह याद आता है। वो अल्लाह से जोड़ने वाले लोग होते हैं, अल्लाह से जोड़ देते हैं बंदे को, और बंदा जब उनके पास बैठ के उठता है तो उसके अंदर रूहानियत की एक नई चमक और रमक पैदा होती है। अबू नसर बिशर बिन अल हारिस बिन अब्दुर्रहमान बिन आता बिन अल मरूज़ी अल बगदादी, आम तौर पर आप इन्हें बिशर हाफ़ी के नाम से जानते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना और बिशर हाफ़ी का ज़माना आगे पीछे एक ही है। आप एक बुलंद मर्तबा वली हैं और आप अली हशरम रहमतुल्लाह अलैह के भांजे भी हैं और उनसे बयात भी हैं। आप रहने वाले तो मरू गांव के थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बगदाद में बसर हुआ, और आपकी एक वाक़या भी आपसे मंसूब है आपकी तोबा का, कि आपकी पहली ज़िंदगी ना वो बड़ी अजीब सी थी, नशे में और मस्ती की हालत में कहीं जा रहे थे, किसी हालत में कागज़ का एक टुकड़ा आपको कहीं पड़ा हुआ मिला जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। आपने इस कागज़ को उठाकर साफ़ किया और इतर से मुअत्तर किया, फिर ऐसी जगह रखा जहां बेअदबी होने का खौफ ना हो। उसी रात अल्लाह ताला ने एक बुज़ुर्ग को जो उसी शहर में रहते थे ख्वाब में आकर यह हुक्म दिया कि तुम जाकर बिशर हाफ़ी से कह दो कि तुमने हमारे नाम की इज्जत की और उसको मुअत्तर करके बुलंद जगह पर रखा, हम भी इसी तरह तुमको पाक करके तुम्हारा मर्तबा बुलंद करेंगे। ये हुक्म सुनकर वो बुज़ुर्ग हैरान हुए और उन्होंने दिल में सोचा कि बिशर हाफ़ी तो एक फासिक व फाजिर आदमी है, यकीनन मेरा ख्वाब गलत है। चुनाचे वो वज़ू करके दोबारा सो गए। अब की दफ़ा भी ख्वाब में वही हुक्म हुआ। वो बुज़ुर्ग समझे कि फिर कोई ऐसी तरह मामला है, फिर आपने वज़ू किया और सो गए, फिर वही ख्वाब देखा। चुनाचे वो बुज़ुर्ग सुबह उठकर आपके घर तशरीफ ले गए और दरियाफ़ करने पर मालूम हुआ कि वो शराब खाने में होंगे, और वहाँ से पता चला कि आप नशे में बेसुध पड़े हैं। बुज़ुर्ग ने लोगों से कहा, तुम इससे कहो कि मैं इसे पैगाम देना चाहता हूँ। लोगों ने जाकर उन्हें बताया, उन्होंने कहा पूछ कर आओ कि किसका पैगाम है। बुज़ुर्ग ने कहा अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह का नाम सुनते ही आप डर गए और रो पड़े कि ना जाने मौत का पैगाम है या इताब इलाही का। डर की वजह से नशा ख़त्म हो गया, इर्द गिर्द से लोगों को हटा दिया, पैगाम सुनकर तोबा की, दोस्तों से कहा अब तुम इस काम में मुझे हरगिज़ ना देखोगे। तौबा के बाद आपने रियाजत व मुजाहिदा शुरू किया। अल्लाह ताला ने आपके नाम में ऐसी बरकत पैदा कर दी कि जो कोई सुनता उसे राहत हासिल होती। आप हाफ़ी इसलिए मशहूर हुए कि हाफ़ी का जो मतलब होता है वो होता है नंगे पाँव वाला। लोगों ने आपसे नंगे पाँव चलने की वजह पूछी तो फरमाया कि तौबा के वक्त नंगे पाँव था, अब मुझे जूता पहनते शर्म आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आइमा हदीस की नज़र में भी आपका एक बहुत आला मकाम है। आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने की वजह ये थी कि हो सकता है आप में से जो लोग ये वाक़े, आज के एक दो वाक़े मैं आपसे शेयर करूँगा, उसको सुनने से पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना तो फिर आपको समझ में आता है। तो औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, उनका क्या ही मुकाम है, और उनसे मोहब्बत करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, और वो बंदे जो अल्लाह के वली हों।
कि ज़मन में कासिम बिन मुरब्बा से एक रिवायत आती है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। मैंने इनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया, तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह ने मुझे फ़रमाया कि ऐ बिशर, हमने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी और जिसने तुम्हारा जनाजा पढ़ा उसको भी बख्श दिया। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह तू उनको भी बख्श दे जो मुझसे मोहब्बत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमसे मोहब्बत करने वालों को भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह, ये होते हैं औलिया अल्लाह, ये होता है उनका मुकाम। इसे इब्ने असाकिर ने भी रिवायत किया है, किताब रूह के पेज 74 पर भी आता है, शरह सुदूर के पेज 125 पर भी आता है। और इब्ने असाकिर एक रिवायत और लाते हैं जिसे शरह सुदूर के 125 सफ़े पर भी बयान किया गया है, कि एक शख्स से रिवायत है कि उसने कहा कि मैंने ख्वाब में हज़रत बिशर हाफ़ी को देखा और इनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया, तो आपने जवाब दिया अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और अल्लाह ने फरमाया कि ए बिशर, तूने मेरी इतनी इबादत भी ना की जितना मैंने तेरा नाम बुलंद कर दिया। कि देखे ना, आज 1200 साल गुजरने के बावजूद लोग हज़रत बिशर हाफ़ी को जानते हैं और उनके इल्म से इस्तेफादा भी हासिल करते हैं और उनकी गुजारी हुई ज़िंदगी से मशाले राह भी पाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम औलिया की मोहब्बत अपने दिलों में बसाएं और साथ साथ उस मोहब्बत का हक भी अदा करें कि वो जो तालीमात दे गए हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनकी ज़िंदगियाँ थीं, उन पर अमल करके हम भी अपने आप में सुधार पैदा कर सकें, अच्छे बन सकें और या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना के मिस्ताक बन सकें। इरजिई इला रब्बिकी राधियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, के दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.